हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा एंड विंग धीरे धीरे बहुत क्लोज आ गए थे, एंड विंग ने यह भी शेयर किया लंजा से कि मैडम ने उसे घर से निकाल दिया, एंड अब विंग वेनिंग के साथ रह रहा है। अब जितना टाइम बीते जा रहा था, वो दोनों और भी क्लोज आते जा रहे थे। लंजा को पता है कि वो विंग से प्यार करता है, बट लंजा को विंग के फीलिंग्स के बारे में नहीं पता। हर दिन वो दोनों एक दूसरे से कडलिंग करते हैं, वो दोनों बहुत क्लोज रहते हैं, बट आज कुछ ज़्यादा ही अलग था। लंजा के ऊपर विंग लेटा हुआ था एंड उनके ऊपर ब्लैंकेट था। हर रोज़ ऐसा ही होता है, बट आज विंग कुछ अलग था। वो अपने फेस को लंजा के चेस्ट में प्रेस करके लेटा हुआ था, जैसे कि वो लंजा के बॉडी को एब्जॉर्ब कर रहा था। उसके पैर लंजा के ऊपर था एंड उसके हाथ भी लंजा को रैप किया हुआ था। लंजा को भी थोड़ा अलग फील हो रहा था, वो भी अपने हाथों को विंग के बैक पे रब कर रहा था। बाकी दिन विंग बातें करता है, बट आज विंग बहुत ही चुप था। विंग धीरे धीरे अपने फिंगर को लंजा के बॉडी में फहरा रहा था, स्पेशली उसके कॉलर बोन पे। देन विंग ने धीरे से कहा, लंजा, ये बोलकर विंग ने शाई किया एंड लंजा के और भी करीब आ गया। अब धीरे धीरे लंजा को हॉट फील होने लगा था। लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया था। विंग के कान लंजा के चेस्ट के ऊपर था, तो लंजा को डर लग रहा था कि शायद विंग उसका फर्स्ट हार्टबीट सुन लेगा। लंजा ने कहा, दिल। लंजा अपने हाथों को विंग के बैक पे कुछ अलग सा रब करने लगा। विंग लंजा के और भी करीब आ गया। अब इससे ज़्यादा करीब जाना इम्पॉसिबल था। लंजा का हार्टबीट रुक गया था, बट स्टिल उसने नहीं रुका। वो कंटिन्यू अपने हाथ को विंग के बॉडी पे रब किया जा रहा था, एंड विंग अपने बॉडी को लंजा के बॉडी के ऊपर प्रेस किया जा रहा था। अब धीरे धीरे लंजा विंग को हॉटली टच करने लगा। विंग ने टीसिंगली कहा, किसको पता था कि मिस्टर लन इतने शेमलेस होंगे। ये सुन के लंजा को बिल्कुल भी एम्बेरेस फील नहीं हुआ। उसने विंग को और भी टाइटली पकड़ लिया। अब इतने हॉट टच से विंग का हार्ट बीट भी रुक गया। अब रूम पे बिल्कुल साइलेंस था, तभी अचानक से लंजा को कुछ फील हुआ। देन उसे रियलाइज़ हुआ कि विंग के फिंगर उसके बेली के ऊपर है। विंग अपने फिंगर को लंजा के बेली के ऊपर फहरा रहा है। इससे लंजा को बहुत हॉट फील हुआ। उसने अपने आंखें टाइटली बंद कर लिया एंड बहुत कोशिश किया मोर्निंग ना करने का। उन दोनों के बीच में एक हेवी एटमॉस्फेयर था। अब धीरे धीरे लंजा का हाथ विंग के लोअर बॉडी पे जा रहा था। देन एक्सीडेंटली लंजा ने विंग के शर्ट के अंदर स्किन को टच कर लिया। देन लंजा बिल्कुल फ्रीज हो गया। वो विंग को आई एम सॉरी कहना चाहता था, पर वो कह नहीं पा रहा था। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसके बॉडी भी स्टिफ हो गया था, एंड तभी विंग ने मोन किया। एंड देन लंजा को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसे ये देख के रिलैक्स फील हुआ कि विंग उससे अलग नहीं हुआ और ना ही विंग ने कुछ कहा, बल्कि विंग उसके और भी ज़्यादा क्लोज आ गया। अब धीरे धीरे लंजा विंग के स्किन को ठीक से टच करने लगा। विंग का स्किन बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड स्मूथ था। लंजा उसे देखना चाहता था, उसे टेस्ट करना चाहता था, उसे फील करना चाहता था। लंजा के अंदर नीड्स बढ़ रहा था। उसने विंग के वेस्ट को पकड़ा एंड उसे और भी करीब खींच लिया, एंड विंग ने भी लंजा को ओबीडियंटली फॉलो भी किया। देन विंग ने उन दोनों के पैर को एक किया, एंड तभी विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा कितना हॉट हो चुका है। ये रियलाइज़ करते ही विंग बिल्कुल स्टील हो गया। वो अपने आप को समझा रहा था कि उसने कोई मिस्टेक नहीं किया, लंजा सच में बहुत ही ज़्यादा हॉट हो चुका है। एंड जब लंजा को ये रियलाइज़ हुआ कि विंग उसको फील कर सकता है, लंजा का बॉडी और भी ज़्यादा बर्न होने लगा। वो सोच रहा था उसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अब विंग को पता चल गया कि लंजा कैसे फील कर रहा है। देन लंजा विंग से अलग होने लगा। इससे पहले वो और अलग होता, विंग ने लंजा को भी टाइटली पकड़ लिया एंड अपने पैर को लंजा के ऊपर रैप कर लिया और कहा, मत जाओ। इस बार विंग का वॉइस कुछ अलग था, थोड़ा सा स्मोकी था, थोड़ा सा हॉट था। उसने कहा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। ये बोल के विंग ने लंजा को और भी करीब खींच लिया, एंड देन वो कम्प्लीटली लंजा के ऊपर आ गया। एंड देन लंजा को फील हुआ कि विंग भी हॉट हो चुका है, वो भी लंजा की तरह ही फील कर रहा है। अब लंजा तड़प रहा था विंग को टच करने के लिए। उसने अपने फेस को विंग के नेक पे रखा एंड विंग को फील करने लगा। उसको बहुत मन कर रहा था कि वो अभी विंग को अपना बना ले, एंड देन उसे याद आया कि ये प्लेस सही नहीं है,
ये प्लेस विंग का वर्क प्लेस है, वो यहाँ पर विंग का एडवांटेज नहीं ले सकता। वो अभी विंग को टच नहीं कर सकता और ना ही उसे ब्रेथलेसली किस कर सकता है। वो यही सोच के बिल्कुल साइलेंट हो गया एंड अपने आँखें बंद कर लिया। एंड तभी विंग ने कहा, सॉरी, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर लंजन ने अपने आइज़ ओपन किया और कहा, मुझे पता है। ये बोलकर लंजन ने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। विंग ने कहा, मुझे पता है तुम नहीं करोगे, बट आई विश। ये बोल के विंग चुप हो गया एंड लंजा को पता है कि विंग क्या चाहता है। लंजा को लगता है कि विंग बहुत ही प्रोफेशनल है एंड उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो बस क्लोज आने की वजह से हुआ है। विंग लंजे की तरह नहीं सोचता, बट लंजा कुछ अलग ही सोचता है, वो कुछ और ही चाहता है। वो सोच रहा था, काश वो लोग विंग के वर्क प्लेस के बाहर मिलते, काश वो दोनों कहीं पर अकेले होते, काश विंग भी उससे प्यार करता। जब वो ये सब सोच रहा था तभी अलार्म बज उठा एंड देन वो दोनों अलग हुए। लंजा विंग से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, उसने विंग के आइज़ को अवॉइड किया एंड अपने कपड़े को ठीक करने लगा। देन वो वहाँ से जाने ही वाला था एंड तभी विंग ने उसके हाथ पकड़ लिया। लंजा ने विंग की तरफ मुड़ा एंड तभी विंग ने स्माइल किया, जो स्माइल जेंटल तो नहीं था बट टेंडर था, फियर्स था एंड हंग्री था। लंजा का बहुत मन कर रहा था कि वो अभी विंग को किस करे, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विंग ने कहा, नेक्स्ट हफ्ते मिलते हैं। लंजा ने नोट किया। लंजा को लगा था कि उसके बिहेवियर से शायद सब कुछ स्पॉयल हो चुका है एंड विंग अब उस पर नाराज़ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। विंग उससे मिलना चाहता है, ये देख के लंजा को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसने कहा, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। ये बोल के लंजा वहाँ से चला गया। उस रात लंजा बिल्कुल भी सो नहीं पाया, उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। वो और भी ज़्यादा हॉट फील करने लगा, उसे विंग की टच की याद आ रही थी, उसे विंग की बॉडी का हीट का याद आ रहा था एंड उस रात वो बिल्कुल भी सो नहीं पाया। अब नेक्स्ट वीक भी लंजा आ गया वेडनेसडे को विंग से मिलने, जैसे हर हफ्ते आता है, बट आज कुछ डिफरेंट था। विंग ने लंजा को एक वार्म स्माइल के साथ वेलकम किया, बट उसके स्माइल में कुछ हॉट सा था, कुछ नीडी सा था, वो लंजा देख सकता था। लंजा ने नोटिस किया कि विंग के आइज उसके फेस से होकर उसके बॉडी की तरफ जा रहा था। विंग ने लंजा के बॉडी को ध्यान से ऑब्जर्व किया। लंजा को और भी ज़्यादा हॉट फील होने लगा। वो लोग रूम पे आए, दरवाज़ा बंद किया। लंजा ने अपने कोट को चेयर पे रखा, हर रोज़ की तरह उसने अपने टाई को लूज़ किया एंड शर्ट के फर्स्ट बटन को अनबटन किया एंड तभी लंजा ने देखा कि विंग उसके हर एक मूवमेंट को फॉलो कर रहा है। ये देख के लंजा के ईयर्स बिल्कुल रेड हो गए एंड तभी लंजा को याद आया कि लास्ट वीक क्या हुआ था। लास्ट वीक वो दोनों कितने क्लोज थे एंड विंग समझ गया था कि लंजा कितना हॉट है। ये सोच के लंजा को और भी ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था। लंजा वहाँ पर फ्रीजिंग खड़ा था एंड विंग बेड पे आकर लेट गया। विंग ने भी लंजा के आइस को अवॉइड किया। देन विंग ने कहा, कम ऑन लौड़ा गग्गा, थोड़ा कंफर्टेबल फील करो। ये बोल के विंग हमेशा की तरह एक सेमलेस स्माइल किया एंड लंजा को बेड पे आने के लिए इशारा किया। लंजा ने फॉलो भी किया। वो विंग के पास जाके लेट गया एंड विंग ने भी लंजा को हग करके लेट गया। आज लंजा अपने आप को कंट्रोल करेगा, वो लास्ट टाइम की तरह नहीं करेगा। उसने डिसाइड किया है कि वो अपने आंखें बंद ही नहीं करेगा, क्योंकि जब वो आंखें बंद करता है वो अपना कंट्रोल खो देता है। विंग लंजा के बाहों में लेटा हुआ था एंड बात किए जा रहा था हमेशा की तरह एंड लंजा चुप था। वो विंग के सेंट को महसूस कर रहा था एंड सीलिंग को देख रहा था। लंजा सोच रहा था कि वो विंग को कितना चाहता है। वो विंग को हमेशा ऐसे ही चाहता है, उसे देखना चाहता है, उसे फील करना चाहता है, उसकी बातों को सुनना चाहता है, बट उसे भी पता नहीं कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। जब वो ये सब सोच रहा था तभी अलार्म बज उठा। विंग ने शाई किया एंड वो दोनों अलग हुए। देन लंजा जब वहाँ से जाने ही वाला था, उसने विंग के फेस में कुछ अलग सा देखा, जैसे कि विंग कुछ कहना चाहता हो बट वो कह नहीं पा रहा हो। तो लंजा ने विंग से पूछा, विंग? ये सुन के विंग जंप कर उठा। उसने कहा, हाँ लंजा? लंजा ने कहा, क्या तुम ठीक हो? विंग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस। ये बोल के विंग ने लंजा के फेस से अपने आइज़ को टर्न कर लिया। उसने कहा, आई थिंक हमें यहाँ पर फिर से नहीं मिलना चाहिए। ये सुनने के बाद लंजा का वर्ल्ड बिल्कुल रुक गया, वो शॉक्ड हो गया। उसे लगा था कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, बट ऐसा नहीं है। लंजा ने विंग को अनकम्फर्टेबल फील कराया।
लंजन ने सब कुछ खो दिया। लंजन ने कहा तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर फिर से आऊँ। विंग ने अपने हेड को शेक किया, जैसे कि लंजन ने एक्सपेक्ट किया था। ये देख के लंजन ने सिर्फ नोट किया। देन लंजन ने विस्पर करते हुए कहा, गुड बाय विंग एंड थैंक यू। इससे पहले विंग कुछ कहता, लंजन वहाँ से निकल गया, क्योंकि लंजन नहीं चाहता कि विंग उससे माफ़ी मांगे, क्योंकि लंजन ने सब कुछ खुद बर्बाद किया है एंड लंजन ये डिज़र्व करता है। जब लंजन वहाँ से जा रहा था, उसे विंग की फुटस्टेप सुनाई दे रहा था। उसे पता है कि विंग उसे फॉलो कर रहा है एंड लंजन ये सोच के शॉक्ड भी हो गया था, बट स्टिल वो नहीं रुका, वो वहाँ से चला गया। इनफैक्ट उसने वेनिंग का गुड बाय का रिस्पॉन्स भी नहीं किया। दे लंजन घर आ गया। घर आने के बाद उसने रैबिट्स को खाना खिलाया एंड वो बेड पे लेट गया। 9 बजने में अभी बहुत देर है। लंजन बहुत जल्दी बेड पे आ गया। उसने डिनर भी नहीं किया, वो आज नहीं खा सकता। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, गिल्टी फील हो रहा था। उसने अपने आँखें बंद किया एंड सोने की बहुत कोशिश किया, बट वो नहीं सो पाया। उसे बार बार विंग की याद आ रही थी। लंजन को याद आ रहा था कि जब उसने गुड बाय कहा था तब विंग का एक्सप्रेशन कैसा था। नेक्स्ट डे लंजन सुबह 5 बजे उठ गया, जैसे कि वो हर रोज़ करता है। उसने ब्रेकफास्ट बनाया, रैबिट्स को खाना खिलाया, एक्सरसाइज किया एंड देन वो काम पे चला गया। एंड देन घर आने के बाद उसने डिनर भी किया, बट उसने म्यूज़िक प्ले नहीं किया, वो सीधा बेड पे चला गया। एंड नेक्स्ट डे भी सेम गया। ऐसे ही दिन जा रहा था। लंजन ने विंग को भूलने की बहुत कोशिश किया, बट वो नहीं कर पाया। उसे बहुत ही हर्ट फील हो रहा था। वो विंग को बहुत मिस कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसके लाइफ से कुछ तो मिस है, क्योंकि विंग उसके लिए वर्ल्ड बन चुका था एंड अब विंग उसकी ज़िंदगी में नहीं है। जब भी उसे विंग की याद आ रहा था, उसे और भी ज़्यादा शेम एंड गिल्टी फील हो रहा था कि उसने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। उसने विंग को उसके वर्क प्लेस पर अनकम्फर्टेबल फील कराया है। लंजन कहीं भी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता। अब लंजन को रियलाइज़ हो चुका है कि वो विंग को अब नहीं भूल सकता और ना ही वो भूलना चाहता है। उसने गिव अप कर दिया है। उसने डिसाइड किया है कि वो और भी ज़्यादा काम करेगा, इससे वो विंग को भूल पाएगा, क्योंकि वो बिज़ी रहेगा, उसे विंग की याद नहीं आएगी। तो लंजन और भी ज़्यादा काम करने लगा, वो ओवरवर्क करने लगा। उसका रूटीन ऐसे ही जा रहा था एंड आज भी वैसा ही था। बट आज स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जब वो अपना काम कर रहा था ऑफिस में, तब अचानक से ऑफिस का दरवाज़ा ओपन हो गया एंड लंजन ने देखा कि रूम में एक पर्पल हुडी पहना हुआ गुस्से वाला इंसान आ गया है। वो लंजन के पास आया एंड गुस्से से कहा, तुम? ये बोलकर उस इंसान ने लंजन की तरफ पॉइंटिंग किया। लंजन ने कहा, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ मिस्टर? तभी उस इंसान ने कहा, मुझे पहले ही समझना चाहिए था तुम एक इडियट हो। तुम अपने आप को सोचते क्या हो? तुमने मेरे भाई को धोखा दिया है। ये सुनकर लंजन सरप्राइज्ड हो गया, ये उसके लिए न्यू है। उसने किसी को धोखा नहीं दिया है, लंजन ने कहा। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? उस मैन ने कहा, जैसे कि तुम्हें पता नहीं है। ये बोल के उस मैन ने लंजन के टेबल पे ज़ोर से मारा एंड वहाँ पर जितने भी पेपर्स थे वो सब नीचे गिर गए एंड बिखर गए। ये देख के लंजन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मुझे नहीं पता एंड अगर आप मुझे नहीं कहने वाले हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनकर उस मैन ने स्मिर्क किया और कहा, इनक्रेडिबल, तुम्हें सच में नहीं पता? तो क्या तुम बहुत सारे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, जैसे तुमने मेरे भाई के साथ किया है? इससे पहले लंजन कुछ कहता, एक और इंसान ने कहा, आचेंग। ये सॉफ्ट वॉइस एक लड़की का था। वो लड़की भी उस रूम पे आ गई। उस लड़की ने लंजन की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी मिस्टर लान, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश किया, हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ये बोल के उस लड़की ने उस मैन की तरफ देखा और कहा, आचेंग यहाँ से चलो। ये आचेंग, ये नाम लंजन के लिए बहुत ही फैमिलियर लग रहा था। तभी उसे याद आया कि एक बार विंग ने कहा था, जियांग चैंग। लंजन ने कहा, जियांग चैंग, क्या तुम जियांग चैंग हो? तभी जियांग चैंग ने कहा, वो अब तुम्हें याद आया, तो क्या अब तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे कि तुमने मेरे विवशन को ऐसे ट्रीट क्यों किया, और या फिर हमें बाहर बात करना चाहिए? मुझे तुम्हारे ऑफिस में तुम्हें पंच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा, बट फ्रेंकली आई डोंट केयर। ये सुन के लंजन शॉक्ड हो गया। जियांग चैंग ने कहा कि तुमने विभीषण को ऐसा ट्रीट क्यों किया,
पर लंजन ऐसा कुछ भी तो नहीं किया था। लंजन ने वही किया था जो विभूषण ने कहा था। लंजन ने अपना हाथ पार कर दिया था एंड इसके वजह से विभूषण अनकम्फर्टेबल था, तो इसलिए लंजन को विंग नहीं मना किया था मिलने से। तो अब ये सब क्यों हो रहा है? तभी उस वुमेन ने कहा, आचेंग। ये वॉइस सुन के लंजन को याद आया विंग ने कहा था कि उसकी एक बहन भी है, यानली। इसका मतलब ये लड़की यानली है। यानली ने लंजन की तरफ देखा और कहा, मेरे भाई की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ मिस्टर लन। हम दोनों ही अपसेट हैं, आप देख ही सकते हैं, एंड हम आशियान के लिए थोड़ा प्रोटेक्टिव भी है। ये सुन के जेंग चन ने कहा, प्रोटेक्टिव? उस इडियट को हमारा हेल्प भी नहीं चाहिए। मैं तो बस ये सोच के परेशान हूँ कि वो और भी ज़्यादा इडियट बन गया है एंड इसकी वजह ये इंसान है। ये सुन के लंजन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, आपको उसे इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है, इनफैक्ट आप ही वो इंसान हो जो उसे एक भाई की तरह ट्रीट नहीं करता। ये सुन के जियांग चंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुम? इससे पहले जियांग चंग कुछ और कहता, यानली ने कहा, आई एम रियली सॉरी मिस्टर लान, बट आचेंग का कोई बुरा मतलब नहीं है, वो आशियान से बहुत प्यार करता है। ये तो बस एक्चुअली आशियान के मन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फीलिंग है एंड देन आपने उससे मिलना भी बंद कर दिया एंड कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं किया, तो इसलिए वो हार्ट ब्रोकन है। ये सुन के लंजन शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या? लंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विंग के मन में उसके लिए फीलिंग है, ये कैसे हो सकता है? हाँ, लंजन विंग से प्यार करता है, बट विंग कैसे लंजन से प्यार कर सकता है? लंजन एक स्टीव बोरिंग इंसान है जो ना ठीक से बात करता है और ना ही हंसता है, वो बिल्कुल बोरिंग है, विंग कैसे उससे प्यार कर सकता है? लंजन के एक्सप्रेशन देख के याली ने कहा, आपको पता नहीं था? लंजन ने कुछ भी नहीं कहा। तो यानली ने कहा, आपको पता नहीं था है ना? लंजन ने अपने हेड को शेक किया। ये सुन के जियांग चेन ने कहा, ओह श्योर, आपको तो पता नहीं होगा, बट विभूषण इतना भी स्टीप नहीं है, आपको पता होता अगर आप उसके लिए केयर करते। एक महीना हो गया है, वो हर दिन सिर्फ लंजा लंजा कहता है, लंजा ये लंजा वो, आई मीन हम परेशान हो गए थे। ये बोल के जियांग चेन लंजा के क्लोज आया एंड एक मर्डरस लुक दिया, बट यानली ने जियांग चंग को रोक दिया। जियांग चंग ने कहा, बट तुम उसके लिए बिल्कुल भी केयर नहीं करते, इनफैक्ट तुमने उसे कॉल भी नहीं किया। तभी यानली ने कहा, आचेंग बहुत हुआ। ये बोल के यानली ने लंजन की तरफ देखा एंड तभी यानली को कुछ रियलाइज़ हुआ। यानली ने कहा, आपको देख के लग रहा है कि आप भी उससे प्यार करते हैं, है ना? ये सुन के लंजन शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था कि यानली उसे कैसे पढ़ सकता है। देर लंजन ने नोट किया और कहा, मुझे पता नहीं था कि वो। तभी यानली ने स्माइल किया और कहा, वेल, अब आपको पता है। ये बोल के यानली ने जियांग चेंग की तरफ देखा और कहा, कम ऑन आचेंग, हमारा काम हो गया है। ये सुन के जियांग चेंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, आजी, क्या आप उसे ऐसे ही जाने देंगे जिसने विभूषण का दिल तोड़ा है? ये उसका फॉल्ट है कि विभूषण ऐसे हार्ट ब्रोकन है एंड ये सब बगड़ रहा है। तभी याली ने कहा, आचेंग, मिस्टर लान सॉरी है एंड वो आशियान से बात भी करेंगे, है ना मिस्टर लान? आप उससे बात करेंगे ना एंड सब कुछ ठीक करेंगे ना? लंजन को लगा कि याली का वॉइस बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, इनफैक्ट जियांग चेंग से भी ज़्यादा। लंजन ने कहा, हाँ हाँ, मैं उससे बात करूँगा। ये सुन के याली ने स्माइल किया। उसने कहा, गुड, आज वो काम पर गया है। ये बोल के याली ने जियांग चेंग की तरफ देखा और कहा, चलो आचेंग, यहाँ से चलते हैं। जाने से पहले जियांग चेंग ने लंजन की तरफ देखा और कहा, जल्दी से इसे फिक्स करो वरना। ये बोल के जियांग चेंग वहाँ से चला गया यानली के साथ एंड लंजन वहाँ पर अकेला खड़ा था। उसका ऑफिस बिल्कुल बिगड़ चुका था, पेपर्स बिखरे पड़े थे, चेयर भी बहुत दूर पड़ा था, पर लंजन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने कोट उठाया एंड जितना जल्दी हो सके वो वहाँ से निकल गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रहा था, विभूषण उससे प्यार करता है, विभूषण उससे प्यार करता है। अब उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है सिवाय विभूषण की। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको क्या होने वाला है आगे, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।